वो आदमी काफी देर तक साफ तरह से अपनी कंपनी का नाम बताने के लिए बड़बड़ाता रहा। फिर अनामिका ने उसे धमकाते हुए कहा, सच सच बताओ कि मुझ पर नजर रखने के लिए तुम्हें किसने काम पर लगाया है। सच बताने में ही तुम्हारी भलाई है, नहीं तो किसी ने नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं लगाया। मैं एक नया फोटोग्राफर हूँ और इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ और एक अच्छी नौकरी पाने के लिए ऐसे फोटोज और खबरों को एजेंसीज को देता रहता हूँ। चाहे जो हो, ये आदमी सच मानने के लिए राजी ही नहीं था। करण ने उसे घूरते हुए देखा, उसकी आंखें खतरनाक तरीके से उसे घूर रही थी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा, अब या तो तुम सच कहोगे या फिर मैं पुलिस को फोन करूंगा। लेकिन इतना तो पक्का है कि अगर मैं पुलिस को फोन करता हूँ तो बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। अब जबकि तुम हमारा पीछा कर रहे हो तो तुम हमें अच्छी तरह से जानते भी होंगे, है ना? तो अब मैं अगर चाहूँ कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताओ तो ऐसा करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, और ये बात तो तुम अच्छे से जानते ही होंगे। करण उस बात को कहने के तरीके में इतना खतरनाक था कि अगर उसने करण की बात सुनी भी नहीं होती तब भी वो आदमी अंदर तक डर जाता। और फिर करण की आंखों में देखते हुए तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी शैतान की आंखों में देख रहा है। वो फिर भी अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था और फिर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन ये उस समय इतना ज्यादा डरा था कि उसके शब्द उसके गले में घुटकर रह गए थे। बेशक वो जानता था कि करण कौन था और करण को नाराज करने का अंजाम क्या हो सकता था, ये बात भी अच्छे से जानता था वो। और जब उसके दिमाग में ये बात आई तो करण के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस बार वो बात को छिपाने के लिए नहीं गिड़गिड़ा रहा था। सर, करण ग्रोवर सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देते तो मैं आपको सब कुछ सच सच में बता दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मुझे बस अनामिका मैडम पर नजर रखने के लिए कहा गया था। मुझे केवल तभी मैडम की फोटोज लेने के लिए कहा गया था जब वो इनके साथ होती है। किन के साथ? करण ने भारी आवाज में पूछा। मिस संजना के साथ। इसके अलावा मैं और किसी भी चीज की तस्वीरें नहीं लेता हूँ। और फिर उन फोटोज को मुझे बताए गए मेलबॉक्स पर भेजना होता है। किसने तुम्हें हमारी मुलाकात की तस्वीरों को लेने के लिए कहा था? अनामिका ने गुस्से में बोला। अनामिका जो कि हर समय ही कैमरा के सामने होती थी और एक सेलिब्रिटी लाइफ जीने के कारण कई बार इस तरह की सिचुएशन में पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस बार चोरी छिपे उस पर नजर रखने और उसकी तस्वीर लेने को लेकर वो काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही थी। मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया और फिर अपने राज को राज रखने के लिए हो सकता है वो अपनी पहचान गलत भी बता दे। लगता है तुम्हारा अभी भी पूरी तरह से सच बताने का इरादा नहीं है। करण ने गुस्से में उसे पकड़ते हुए उसका फोन बाहर निकाल लिया। नहीं, मैं कसम खाता हूँ यही सच है, आदमी हड़बड़ाते हुए बोला। फिर कुछ कुछ याद करते हुए उसने कहा, हाँ लेकिन जब मैंने उनसे फोन पर बात की थी तो मैंने किसी को उन्हें मिस राजवंश कहते सुना था। मिस राजवंश? संजना और अनामिका ने एक ही समय पर एक दूसरे की ओर देखकर कहा। उन दोनों के मन में एक ही व्यक्ति का ख्याल आया था। करण कार को स्टूडियो की ओर लेकर गया और अनामिका के सेट के सामने जाकर रुका। हालांकि वो तुरंत भीतर नहीं गई, कुछ देर तक शांत और अपने ख्यालों में खोई हुई वो यूं ही कार में बैठी रही। बाहर तेज ठंडी हवा बह रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, शायद बेमौसम बरसात होने के आसार बन रहे थे। उस समय अनामिका के इमोशंस बेहद ही कॉम्प्लेक्स हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि समीरा राजवंश किसी को उन पर नजर रखने के लिए क्यों भेजेगी, और इससे भी बड़ी बात ये थी कि उसे इस बात से क्या लेना देना कि वो संजना के साथ मिलती है या नहीं और उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है। भले ही समीरा राजवंश और संजना के रिश्ते बीते समय में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी बात इस हद तक बढ़नी नहीं चाहिए थी। ये बात वाकई में शक के दायरे में आती थी। क्या संजना और समीरा के बीच कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में उसे नहीं पता था? ये ख्याल आते ही उसने संजना की ओर देखा। तुम्हारी बहन की बात के अलावा क्या तुम्हारे और समीरा के बीच कोई और भी अनबन हुई है? असल में समीरा जो कुछ भी कर रही थी उन चीजों को करने के पीछे का कारण उसकी बहन नहीं होनी चाहिए थी, कारण केवल संजना हो सकती थी। लेकिन संजना की बहन के मुद्दे के अलावा समीरा को संजना से किसी और वजह से कोई दिक्कत होगी ऐसा भी नहीं दिख रहा था। हमारे बीच कोई खटपट होने का क्या कारण हो सकता है? संजना की आंखों में उस बात को लेकर डाउट था।
आखिर वो समीरा किस फिराक में थी? क्या ऐसा लग रहा था कि वो वाकई में उस बात को पक्का करना चाहती थी कि संजना राजवंश परिवार के किसी भी मेंबर के साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट ना करे? फिर वो हमारे मिलने जुलने को लेकर किसी को हम पर नजर रखने के लिए क्यों भेजेगी? मुझे इस बारे में कुछ कैसे पता होगा? मुझे लगता है आपको खुद ही उससे पूछना चाहिए, संजना ने आगे बढ़ने से पहले कहा। या शायद आपको अभी उससे कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। उस आदमी ने इस मुद्दे को इसे सीक्रेट रखने का वादा किया है। बस आप शांति से इस मुद्दे के बारे में सोचिए कि वो आखिर करना क्या चाहती है। अगर आप इसी वक्त उस पर सब कुछ जाहिर कर देंगी तो शायद आगे चलकर दिक्कत हो। क्या तुम लोग किसी चीज के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हो? अनामिका ने नॉर्मली ही करण की ओर देखते हुए उससे पूछा। हालांकि करण ने अनामिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर सिर्फ अनामिका को रियर व्यू मिरर में देखते हुए अजीब ढंग से मुस्कुराया था। वास्तव में वो जानती थी कि ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। हर कोई जानता था कि समीरा काफी समय से राहुल मेहरा को पसंद करती आ रही थी और वो शादी करने वाले थे, लेकिन यही एक पॉसिबिलिटी थी। इसके बारे में अनामिका सोच सकती थी जो संजना और समीरा के बीच चल रही अनबन के पीछे का कारण हो सकता था, और ये कारण था प्यार। एक औरत सिर्फ एक आदमी के लिए ही इस तरह के घटिया हथकंडों का सहारा लेने के लिए सोच सकती है? नहीं तो समीरा को संजना के साथ बैर रखने का कोई और कारण तो दिखाई नहीं देता। समीरा एक चालाक औरत थी। वाकई में वो इतनी चालाक थी कि कोई भी इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। हालांकि उसने एक मास्क के पीछे अपनी असली चेहरे को छिपा के रखा था, इसीलिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं था कि वो ऐसा कुछ करे जिसमें उसका कोई फायदा ना छिपा हो। समीरा एक परफेक्शनिस्ट थी। वो ऐसे किसी भी मुद्दे में अपना समय बर्बाद नहीं करती जिसमें कि उसका कोई फायदा ना हो। अनामिका समीरा को अच्छी तरह से कैसे समझती थी और पहचानती थी? ऐसा इसीलिए था क्योंकि समीरा उसके पास्ट के रिलेशन की तरह थी। छोटी उम्र से ही समीरा को अनामिका की नकल करना पसंद था। बाद में अपने खुद के कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस के कारण अनामिका को अपने उस रूप से नफरत हो गई थी, और इसकी वजह उसकी भतीजी भी थी। अनामिका को उसके दूसरे भाई की बेटी ज्यादा पसंद थी। हालांकि इस सब से इस बात को पहले से ही ज्यादा पक्का कर दिया था कि समीरा के पास ऐसा करने का एक ही कारण था। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं उससे लड़ूंगी या झगड़ूंगी? समीरा मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती है। उसके पीछे एक ही कारण है, मेरी बहन शालिनी शर्मा। लेकिन आप तो इस बारे में पहले से जानती हैं। हो सकता है कि उसी ने मेरी बहन का किडनैप किया था, और यही कारण है कि वो हम दोनों की मुलाकातों से डरती है। संजना ने फिर अपना सिर हिलाया। लेकिन ये कारण भी समझ से बाहर है। इस वक्त मुझे मेरी बहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसकी कोई खोज खबर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आपको भी उसकी कोई खबर है। ऐसे में जब हम दोनों में से कोई भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, तो वो हम दोनों से मिलने से इतना घबराई हुई क्यों है? शुक्र है कि संजना ने इस पॉसिबिलिटी को गलती से अपने मुंह से नहीं निकालने दिया कि अमित शर्मा उर्फ शालिनी उसकी बहन थी या हो सकती थी। वो किसी भी हाल में किसी बाहरी पर्सन को अपने इस डाउट के बारे में नहीं बताने वाली थी कि अमित उसकी बहन हो सकती है, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो अमित से बात नहीं कर लेती। अनामिका कुछ देर कार में खामोश सी बैठी थी, फिर वो नीचे उतरी और उसी के पीछे संजना भी कार से बाहर आ गई। बारिश की हल्की हल्की बूंदे उनके चेहरे पर पड़ रही थी। ये सीन देखने पर किसी मूवी के सीन जैसा लग रहा था। बेहद ही खूबसूरत, काफी खुशनुमा, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। चिंता मत करो, भले ही समीरा राजवंश फैमिली का ही हिस्सा है और मुझे अपने परिवार के मेंबर्स का साथ देने का पूरा हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे तुम्हें तकलीफ पहुंचाने दूंगी। ऐसा कहते हुए अनामिका आगे बढ़ गई और संजना पीछे रह गई। संजना महज मुस्कुरा दी थी। अनामिका वास्तव में उसका साथ देगी या नहीं ये बात तो वो नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी अनामिका ने संजना के बारे में इतना सोचा था। इसी बात से उसे तसल्ली हो गई थी कि संजना ने उसे अपना दोस्त बनाकर कोई गलती नहीं की थी। वो कार में वापस लौट आई। पिछले कुछ समय में बने टेंस माहौल की वजह से करण का हैंडसम और स्मार्ट चेहरा काफी गुस्सैल और रूखा हो गया था, और ऐसे सुहाने मौसम में भी ऐसा रूखा चेहरा देखना संजना को बिल्कुल भी भा नहीं रहा था। सीट बेल्ट बांधने के बाद संजना ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ऐसे चुप क्यों बैठे हो? कहने के लिए था ही क्या? करण ने ड्राइविंग शुरू कर दी।
तुम हमारे साथ इस बात को डिस्कस कर सकते थे कि समीरा ऐसा क्यों कर रही थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब काफी अजीब है? आखिर वो ये क्यों जानना चाहती है कि मैं अनामिका के साथ क्या कर रही हूँ? बेवजह मेरे पीछे क्यों पड़ी है वो? इसके अलावा पिछली बार जब उसने मुझ पर हमला किया था तो उसकी वजह से मेरे और अनामिका के बीच मनमुटाव पैदा हो गया था। आखिर कुछ भी हो जाए, अनामिका उसकी बुआ है। चलो मान लिया जाए कि वो अनामिका से मेरे मिलने जुलने को लेकर नाखुश है, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ तक कि मैं खुद भी लंबे समय से अनामिका को लेकर कंफ्यूजन में थी, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उसका मकसद क्या था। अनामिका को मुझसे दूर करने के लिए वो अपने गाल पर थप्पड़ खाने के लिए अपना चेहरा आगे कर देगी, ये सोचकर ही मैं हैरान हूँ। संजना बड़बड़ाई जा रही थी जबकि करण चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था। संजना ने करण को देखा, वो मुस्कुराई और उसे घूरते हुए चिढ़ाने के अंदाज में बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि समीरा के दिल में तुम्हें लेकर कुछ है? तुम अपने दिमाग पर जरूरत से ज्यादा जोर डाल रही हो, करण ने रूखेपन से जवाब दिया, जैसे उस संजना की कही गई बात में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा ऐसा है? दुखी चेहरे के साथ अपना मुंह बनाते हुए संजना अपनी सीट से टिक कर बैठ गई। बेशक वो खुद भी ये जानती थी कि ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आखिरकार समीरा ही वो लड़की थी जो पास्ट में रोशनी मेहरा को सिखा रही थी कि किस तरह से करण को पटाना है। लेकिन इसके अलावा संजना वास्तव में किसी और रीजन के बारे में सोच नहीं पा रही थी। बाहर मौसम वाकई में बेहद ठंडा था कि जैसे ही संजना वापस घर पहुंची तो भीतर जाते ही वो करण की ओर देखते हुए उसके पीछे से पीठ पर उछल कर चढ़ गई, अपनी बाहें करण के गले में डाले हुए और उसके पैर बांधकर कमर से आगे लपटे हुए थकी हुई आवाज में उससे बोली, करण ग्रोवर। और फिर जैसे जैसे वो उसकी पीठ से नीचे खिसकने लगी तो करण को चिंता हुई कि वो फिसल कर गिर ना जाए, इसीलिए उसने उसे पकड़ते हुए कमर तक खींच कर वापस अपनी पीठ पर लाद लिया था और फुसफुसाया, अपनी पकड़ थोड़ा ढीली करो नहीं तो मैं यहीं पर दम घुटने की वजह से मारा जाऊंगा। क्या तुम इतने कमजोर हो? उसने अपना सर आगे लुढ़काते हुए उसके कान को काटते हुए बोला, कल रात कैसा पागल हो गए थे तुम, मुझे कितना परेशान कर रहे थे, ना ढंग से सोने दिया ना जागने दिया, पता भी है तुम्हें कितनी थक गई थी मैं। मैं अभी भी उस बात पर तुमसे नाराज हूँ। तो फिर समझो कि आज रात भी तुम्हारा हाल वही होने वाला है, आज की रात बड़ी कातिलाना होगी। उसने अपना सर उसे चूमने के लिए हल्का सा मोड़ा, हालांकि संजना ने अपना सर पीछे कर लिया था। पीछे रहते हुए करण को डोज करना काफी आसान था। संजना की आंखों में एक शरारत भरी क्यूटनेस से चमक रही थी। तो तुम्हें ऐसा करना पसंद नहीं है? करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, उल्टा मुझे तो इसमें काफी मजा आ रहा है, यही तुम्हारे लिए बेहतर है मिस्टर ग्रोवर। वो अभी भी करण के शरीर से चिपकी हुई थी और करण उसे उसी तरह अपनी पीठ पर लाते हुए सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर कमरे में लेकर गया। मुझे लगता है कि तुम उस समय जरूरी समीरा की घटना के बारे में कुछ सोच रहे थे, अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करो। मैं जरूर ऐसा कर सकता हूँ। जैसे ही करण ने अपना सर पीछे घुमाया, संजना को उसकी आंखों में शैतानी चमक दिखाई दे रही थी। संजना की आंखें करण के होठों की तरफ झुक गई। उसके होठ किसी लड़की के होठों से भी ज्यादा खूबसूरत थे, बेहद ही मुलायम और स्मूथ। संजना ने उसे गाल पर एक स्मूच दिया और कानों में फुसफुसाते हुए कहा, अब ठीक है? करण ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल भी नहीं। संजना ने उसे घूरते हुए देखा, क्या हुआ? तुम नहीं जानते कि मुझे कैसे मनाना है? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि क्या और कैसे करना है? अगले ही पल संजना ने आगे की ओर झुकते हुए अपने होठ करण के गाल की ओर ले जाकर हल्की सी फूंक गालों पर छोड़ते हुए पूछा, अब? संजना ने अपने हाथ से करण का चेहरा थाम कर उसे अपनी ओर घुमाया और उसकी आंखों में शैतानों वाले एक्सप्रेशन लिए घूरते हुए बोली, तुम मुझे बताते हो या फिर आज रात मुझे छूने का काम अपने सपनों में ही करना चाहते हो? ये करण को संजना का अल्टीमेटम था, इसीलिए अब करण कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता था। ठीक है, पहले मेरी पीठ से नीचे उतरो। संजना फौरन ही गंभीर हो गई और उसकी पीठ से नीचे उतरकर सीरियस होने का नाटक करके बोली, तो बताओ कि तुम इस बात को लेकर क्या सोचते हो? बस अब ये मत बोलना कि जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो सही है। तुम वाकई में पगला गई हो संजना, करण ने संजना के गाल पर चुटकी लेते हुए कहा। अगर समीरा जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे यही कारण है कि वो जेलस फील कर रही है, तो
तुम्हें नहीं लगता कि वो इन सब चीजों से बढ़कर कहीं ज्यादा खतरनाक चीजें कर सकती है? वो सोफे की ओर जाकर उस पर बैठ गया। संजना भी उसके पीछे भागती हुई आई और उसके बगल में बैठकर बोली, मुझे पता है, तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ कि ये सब करने के पीछे जरूर उसका कोई और फायदा छिपा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में क्या सोच रही हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं समझ पा रही कि उसे आखिर ऐसा करने से हासिल क्या होगा। ऐसा भी नहीं कि मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, मैं केवल एक स्विमर हूँ और अनामिका तो एक नामी एक्ट्रेस। आखिर हम दोनों मिलकर भी समीरा के खिलाफ क्या ही कर सकते हैं? तब तो एक ही बात बचती है कि वो ये सब कुछ तुम्हारे कारण कर रही है, मिस्टर ग्रोवर, संजना ने करण को काटने का नाटक करते हुए कहा। उसने अपने एल्बो से संजना की गर्दन को दबाते हुए कहा, एक बात के होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। वो इस बात को लेकर परेशान हो कि अनामिका से मेल जोल बढ़ाने से तुम्हें कुछ ऐसा पता चल जाए जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसी कौन सी बात हो सकती है? शायद पास्ट में उसने ऐसा कुछ बुरा किया हो जिसके सामने आने का डर उसे सता रहा हो। और वो बुरा काम आखिर क्या होगा? क्या मुझे कैसे पता होगा? मैं तुम्हें क्या कोई भगवान नजर आता हूँ? करण ने संजना की नाक को चिमटी लेते हुए कहा, एक अंदाजा लगाते हुए बोल दो। संजना को लग रहा था कि करण को जरूर किसी चीज को लेकर शक है, लेकिन फिर भी उसे संजना पर जाहिर नहीं होने देना चाहता। करण असल में ये सोच रहा था कि शायद समीरा ने शालिनी को किडनैप किया था और फिर उसका मर्डर कर दिया था। हालांकि वो केवल उसका अंदाजा ही था और उस बात को खुद कहना नहीं चाहता था। उसे डर था कि संजना इस बात को दिल पे ना ले ले और ये सोचने लगे कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। आखिर उसे शालिनी को लेकर बुरे सपने आने बंद होने में काफी समय लग गया था। अगर करण उसे ये बात बता देता तो संजना शायद ही आज रात सो पाती। जैसे तुम्हारे जन्म से लेकर कोई बात? करण ने ऐसे जवाब अभी अभी उसके दिमाग में बुन लिया था, जो कि वो जानता था कि बेहद ही बकवास जवाब था। आखिरकार दादी ने उसे बताया था कि संजना का जन्म टाइम से पहले हो गया था, यानी कि वो प्रीमेच्योर बेबी थी। जब उसका जन्म हुआ था तो सिर्फ एक बिल्ली के बच्चे जितना भी नहीं थी वो, और उसे जब वार्ड से बाहर लेकर आया गया तब भी उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सभी को लगा कि वो बच नहीं पाएगी। हालांकि उसकी माँ के करीब आते ही उसने दूध पीना शुरू कर दिया था और वो इतनी जोश के साथ दूध पी रही थी कि जैसे उसने तभी डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा रहना ही है। मेरी बर्थ से जुड़ी कोई बात? संजना हंस पड़ी। मेरी बर्थ को लेकर क्या हो सकता है, मैं अपने माँ बाप की बायोलॉजिकल बेटी हूँ। रुको, अचानक संजना की आंखें फैलती चली गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। जब तक तुमने इस बात का जिक्र नहीं किया था मेरा ध्यान इस ओर कभी नहीं गया, लेकिन अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरी बहन और अनामिका की आंखें वो एक जैसी दिखती है। फिर उसने कंधे उचकाते हुए करण से कहा, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है ना? उफो, आपको ये मत कह देना कि बर्थ के बाद गलती से समीरा की मेरी बहन के साथ अदला बदली हो गई। लेकिन ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है, उनके तो बर्थडेज भी अलग अलग हैं। उन दोनों के बर्थ में कम से कम 6 महीने का तो अंतर होगा ही, करण ग्रोवर ने कुछ सोचते हुए कहा। अगर वो तुम्हारी बहन के साथ अपनी आइडेंटिटी को बदलना भी चाहती है तो उसके पास ऐसी कोई वजह नहीं जो तुम्हारे और अनामिका के मिलने जुलने को लेकर तुम दोनों पर नजर रखे। इसके अलावा तुम्हारी बहन तो पहले से ही लापता है और अब वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। इतना बड़ा और सरदर्दी वाला काम करने के लिए तो ये वजह मुझे समझ नहीं आती। तुम ठीक कह रहे हो, मेरी बहन मेरी सगी बहन है। वैसे भी अगर समीरा मेरी असली बहन होती तो मैं वाकई में। संजना अपनी गर्दन काटने का इशारा करते हुए लुढ़की और करण की गोद में गिर गई। उसके इरादे क्या है इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करना बंद करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके इरादे क्या हैं। आज नहीं तो कल हम सब इस बात का पता लगा ही लेंगे। बस सही समय की बात है। करण ने अपने बालों को हल्का सा झटका, फिर कुछ झिझकते हुए उसने कहा, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से वो एक्ट कर रही थी, हम ये बात भी पक्की तरह से कह सकते हैं कि तुम्हारी बहन उसके कब्जे में नहीं है। जब संजना ने करण की बात को सुना तो वो करण को देखते हुए अधीरे से हंसी। सही कहा तुमने, एक बात ये भी हो सकती है कि अमित शर्मा ही मेरी बहन शालिनी है। भले ही मेरी बहन और अनामिका में कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन वो मेरी डैडी की तरह ज्यादा दिखाई देती है। तुमने अभी अगर ये बात नहीं कही होती तो शायद मुझे ये याद नहीं आता।
लेकिन अमित शर्मा एक्चुअली में मेरे डैडी की तरह ज्यादा दिखाई देता है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन मुझे देखो ना, मैं ना अपनी माँ की तरह दिखाई देती हूँ और ना ही अपने पिता की तरह। कितनी बदसूरत हूँ मैं। वाकई में तुम बहुत ही बदसूरत हो, करण ने संजना की ओर गौर से देखते हुए कहा। करण ग्रोवर? संजना ने करण की बात सुनकर गुस्से में उसका सर दूसरी तरफ घुमा दिया। करण ने नीचे झुककर संजना के माथे को चूमा और फिर रूम हीटर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। कॉइल्ड रूम हीटर की ऑरेंज लाइट उन दोनों के चेहरे पर पड़ने लगी थी और कमरे का माहौल काफी रोमांटिक नजर आने लगा था। संजना ने करण को घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में करण के लिए ये मैसेज था कि मैं तुमसे नाराज हूँ और नाराज ही रहूंगी। पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, करण ने संजना के कान पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा। संजना ने मुंह फुलाते हुए गुस्से में जवाब दिया। सोच लो, अगर तुम ऐसे ही मुझसे जानबूझकर मजाक करते रहे तो एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर भाग भी सकती हूँ, और अगर मैं भाग गई तो फिर मैं अपनी दादी के पास जाऊंगी और सारी जिंदगी उनके साथ ही रहूंगी और तुम्हें जिंदगी भर इग्नोर करती रहूंगी, समझे तुम? इतने में ही करण के फोन की रिंगटोन बज उठी, जिसे करण ने मुस्कुराते हुए उठाया। उसने देखा कि फोन पर मैसेज के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। मैसेजेस को देखते हुए उसने संजना से कहा, मुझे याद नहीं कि कभी तुमने अपने दादा दादी के बारे में मुझे कुछ बताया हो। संजना ने अपनी जीभ को पहले दांतों के बीच में दबाया और फिर बोली, मेरे डैडी एक अनाथ थे। उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने अपना होश संभाला था तभी से खुद को ऑर्फनेज में पाया था और वहीं पर वो बड़े हुए थे। किसी कपल ने उन्हें पहले गोद लिया था, फिर एक साल के बाद उसके खुद के बच्चे हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने डैडी को ऑर्फनेज में लौटा दिया। उसके लिए उनकी जिंदगी की सबसे लकीएस्ट बात ये हुई थी कि जब वो मेरी मम्मी से मिले थे, वही थी जिन्होंने उन्हें अपना खुद का परिवार और अपना घर दिया था। संजना की आंखें धीरे धीरे लाल हो गई थी। करण ने अपना फोन नीचे रख दिया। संजना की बात को गौर से सुन रहा था। उसके चेहरे को सहलाते हुए उसने फोन के मैसेजेस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे डैडी के परिवार यानी तुम्हारे दादा दादी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं? संजना ने अपना सिर हिलाया और छत की तरफ देखा। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे डैडी को छोड़ा नहीं हो और शायद तुम्हारे डैडी भी सारी जिंदगी अपने परिवार को ढूंढने के लिए तरसते होंगे। संजना ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचते हुए फिर बोली, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकते हो। जैसा सनी ने कहा था, उन्हें ढूंढने का मतलब ये नहीं कि मुझे उन्हें अपनाना भी होगा, उनके बारे में जानना ही काफी है। करण ने पहले अपना सिर हिलाया और फिर उसके माथे को चूम लिया। संजना ने उसे गले लगाया। करण, ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। मुश्किल भरा वक्त भी मैं हंस के काट लेती हूँ और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। उधर अनामिका खन्ना सारी रात शूटिंग करने के बाद काफी थक गई थी और घर जाने के बाद सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने सोने से पहले नहाने के लिए सोचा था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती उसकी आंखें भारी होने लगी। हालांकि भले वो काफी थकी हुई थी, वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में अभी भी काफी कुछ चल रहा था और शरीर बेशक सोने की मांग कर रहा हो लेकिन दिमाग जागा हुआ था। कुछ ही देर में उसने अपनी आंखें खोली और छत की ओर देखा। उसकी आंखों में किसी बात को लेकर शक साफ दिखाई दे रहा था। समीरा को लेकर आज हुए इंसिडेंट के बाद उसके पास चीजों को और अच्छी तरह से सोचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। लेकिन जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचती चली जा रही थी, उसे उतनी ही बेचैनी महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि असल में वो काफी डरी हुई थी इस बात को लेकर कि उसकी भतीजी एक शैतान और बेईमान लड़की हो सकती है। समीरा शायद ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि शालिनी के गायब होने में उसका भी हाथ हो सकता है और हो सकता है कि वो पहले ही शालिनी को मार चुकी हो। अनामिका अचानक ही अपनी जगह पर उठ बैठी और नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल पड़ी। काफी देर तक गर्म पानी में अच्छी तरह से नहाकर तरोताजा होने के बाद वो बाहर निकली, लेकिन उसके दिमाग में चल रही उधेड़बुन के चलते अभी वो सो नहीं पा रही थी। कुछ सोचते हुए वो वापस राजवंश मेंशन की ओर चल पड़ी। अचानक ही अनामिका को राजवंश मेंशन में देखकर सीनियर राजवंश बेहद खुश हो गए थे। अनामिका, आखिरकार इतने दिनों के बाद तुम्हें हमारी याद आ ही गई। कैसे हैं पिताजी? सीनियर राजवंश इस समय खाने के टेबल पर बैठे हुए थे और अनामिका आकर उनके बगल की खाली कुर्सी पर बैठ गई। अनामिका को बैठते देख बगल में खड़े हेल्पर ने अनामिका के लिए भी खाने की प्लेट लगा दी थी।
ये क्या हाल बना के रखा है तुमने? क्या तुम फिर से सारी रात शूटिंग करती रही हो? सीनियर राजवंश ने परेशान होकर अनामिका की ओर देखते हुए कहा, ऐसा भी क्या कि तुम्हें रात दिन शूटिंग करनी पड़ रही है? अनामिका ने अजीब तरीके से हंसते हुए अपने पिता को समझाते हुए कहा, डैडी, रात के सीन्स को रात में ही शूट किए जाते हैं ना, लेकिन अगर हमें रात को शूटिंग करनी होती है तो हम दिन में अच्छी तरह से आराम कर लेते हैं। देखिए, क्या मैं यहाँ अभी आपसे मिलने नहीं आई हूँ? मैं एक रात की शूटिंग के बाद पूरे दो दिन आराम कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बारे में छोड़िए, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है अब? मेरा शरीर अभी भी मजबूत और हेल्दी है, लेकिन तुम्हें देखते हुए ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। तुम इस शो की शूटिंग कुछ दिनों के लिए बंद क्यों नहीं कर सकती? अपने हाथ में थामे कांटे को प्लेट में रखते हुए उन्होंने अनामिका को घूर कर देखते हुए कहा, जो भी हो, तुम पहले ही शादी करने का फैसला कर चुकी हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर आने और ये शूटिंग वूटिंग छोड़ने के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? इसके अलावा भी तुम बहुत कुछ कर सकती हो जो कि तुम्हें पसंद हो। अनामिका ने अपने पिता को गौर से देखा, ये देखते हुए कि वो इतने एनर्जेटिक कैसे हो सकते हैं, उसने एक गहरी सांस ली और उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। लेकिन मुझे जो करना पसंद है वो एक्टिंग ही है पिताजी। अब अपनी बेटियों से कोई पिता बहस में जीत कैसे सकता है भला? सीनियर राजवंश अपनी इस बेटी के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। डैडी रिलैक्स, जब मैं इससे बोर हो जाऊंगी तो एक दिन खुद ब खुद इसे छोड़ दूंगी, क्या पता ये बहुत जल्द हो जाए या फिर कभी ना हो। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि इतने में अनीता वहाँ पर समीरा राजवंश के साथ आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ सीनियर राजवंश को ग्रीट किया। समीरा राजवंश ने अनामिका को देखा और मुस्कुराई, आप कब आई बुआ जी? अनामिका उसे देखकर नाश्ता करते हुए मुस्कुराई, बस अभी अभी। हालांकि उसके इमोशंस, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से शांत किया था, समीरा को देखकर एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे। समीरा उसकी भतीजी थी और उन दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता था, होता भी क्यों ना, आखिरकार वे रिश्तेदार जो थे। अनामिका असल में यही चाहती थी कि चीजें वैसी ना निकले जैसा कि वो उसके होने के बारे में सोच रही थी। उस कैमरे वाले आदमी को कल रात करण ने शर्त पर छोड़ा था कि वो समीरा को कुछ नहीं बताएगा कि उन्होंने उसे उसका पीछा करते हुए पकड़ लिया था। हालांकि उन्होंने उससे समीरा को संजना और अनामिका से मुलाकात के बारे में बताने के लिए कहा था, जैसा कि उसे पहले भी बताना ही था। अनामिका और संजना की मुलाकात के बारे में पता लगाने के बाद समीरा का रिएक्शन क्या होगा? जब अनामिका घर लौटने के बाद सो नहीं पा रही थी तो उसने यही बात जानने के लिए राजवंश मेंशन आने का फैसला किया था। क्या समीरा वाकई में डर गई थी कि संजना की बहन के मर्डर का उसका राज सब पर जाहिर हो जाएगा, और इसीलिए उसने संजना पर नजर रखने के काम के लिए पैसा देकर किसी को हायर किया था? लेकिन उसकी सोच के बिल्कुल उलट, समीरा काफी शांत नजर आ रही थी और जल्दी उसने अपना नाश्ता खत्म कर लिया था। उसने अनामिका से कुछ जनरल बातों के अलावा ऐसी कोई बात नहीं बोली थी जिससे कि अनामिका का शक पक्का हो सके। फिर कुछ देर सोचने के बाद अनामिका ने सबके सामने ही संजना को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा। कुछ ही देर में संजना ने अनामिका को कॉल बैक किया और अनामिका ने सबके सामने ही उसके साथ डिनर करने का प्रोग्राम बनाया। अनामिका ने कॉल कट कर दिया। तभी सीनियर राजवंश ने अनामिका की ओर देखते हुए जनरल वे में पूछा, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे पिछली बार बताया था? हाँ, ये वही है, हम आज रात डिनर के लिए मिलने वाले हैं। अनामिका ने नजरें बचाते हुए समीरा की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा। जब अनामिका संजना से फोन पर बात कर रही थी तब समीरा सर झुकाए हुए अपना नाश्ता कर रही थी और उसे देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कुछ ऑड बिहेव कर रही हो। आंटी, आप अभी भी उसके कॉन्टेक्ट में हैं? अचानक समीरा ने अपना सर उठाया और अनामिका को देखते हुए बोली। उसकी आंखें कुछ नम सी दिखाई दे रही थी। हालांकि ये सब इतना ही था जैसे वो संजना को लेकर अपने डिस्प्यूट के बारे में अनामिका से शिकायत कर रही हो। उस बात से सीनियर राजवंश का ध्यान भी उस ओर खींचा। वो कुछ हैरान दिखाई दे रहे थे। हाँ, क्यों? अनामिका ने अपने होठों पर शैतानी मुस्कान के साथ कहते हुए ऐसे दिखावा किया जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। मुझे लगा कि पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके बाद से आप, मेरा मतलब, आप उससे अपनी दोस्ती तोड़कर दूरी बना लेंगी, समीरा ने रूखेपन से हंसते हुए कहा। आज ही वो ये सब भी दिखावा कर रही थी जैसे उस बात से वो काफी हर्ट है। इसके साथ उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा नम होने लगी और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सैड दिखाई देने लगा। फौरन ही सीनियर राजवंश को कुछ खटका और उन्होंने आईब्रो टेढ़ी करते हुए
पूछा, क्यों, क्या हुआ? उस सवाल ने राजवंश के एक्सप्रेशन को बुरी तरह से बदल दिया था। वो काफी एग्रेसिव हो गई थी। उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि अगर समीरा ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोका हुआ होता तो अगले ही पल उसके आंसू आंखों के बंधन को तोड़कर बाहर निकल पड़ेंगे। लेकिन आखिर में वो सीनियर राजवंश को देखकर मुस्कुराई, इस तरह जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो।